स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप कौन शपथ ली? ए महबूबा मुफ्ती, बी उमर अब्दुल्ला, सी फारूक अब्दुल्ला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी उमर अब्दुल्ला। एक्सप्लेनेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के नेता उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। नई सरकार का गठन जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटाने के बाद हुआ है, जो 2019 में पूर्व राज्य के पुनर्गठन के बाद से लागू था। उमर के साथ सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद अहमद दार, सकीना एटू, जावेद राणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न, किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी एंडी मरे, डी कार्लोस अल्कारेज। आंसर बी राफेल नडाल। एक्सप्लेनेशन, स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है, साथ ही वह करियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी है। नडाल ने अपने करियर में 92 ATP एकल खिताब जीते हैं, जिसमें एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान, डी इंग्लैंड। आंसर ए भारत। एक्सप्लेनेशन, भारत बनाम बांग्लादेश तीसरे T20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया। संजू सैमसन के पहले T20 शतक की बदौलत टीम ने 297/6 का विशाल स्कोर बनाया, जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? ए 11वां, बी 12वां, सी 13वां, डी 14वां। आंसर डी 14वां। एक्सप्लेनेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिससे ये भारत सरकार से यह प्रतिष्ठित वर्गीकरण प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE बन गया है। यह मील का पत्थर HAL के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है। अगला प्रश्न, ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? ए चिराग पासवान, बी एकनाथ शिंदे, सी अमित शाह, डी नरेंद्र मोदी। आंसर डी नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है।